उदाहरण सात, मान ज्ञात कीजिए। 5 sin² 30° प्लस cos² 45° माइनस 4 tan² 30° अपॉन 2 sin 30° इंटू cos 30° प्लस 10 45°। यहाँ पे हमको एक व्यंजक दिया है और उस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ये व्यंजक कोणों पर आधारित है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण लिखे गए हैं और उसका मान ज्ञात करना है। ये इस प्रकार का व्यंजक है, 5 sin² 30° है ये, और धन cos 45° का वर्ग ऋण 4 tan 30° का वर्ग बटा 2 sin 30° cos 30° गुणा में, और धन 10 45°। इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसके लिए साइन 30° का मान ज्ञात हो, कास 45° का मान ज्ञात हो, टेन 30° का मान ज्ञात हो, और कास 30° और टेन 45° का मान यदि ज्ञात हो तो इस व्यंजक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इस व्यंजक को हम ऐसे लिख लें कि 5 sin²³ लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 30° का वर्ग अर्थात ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इसको cos² 45 हम पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं ऐसे, cos 45 अर्थात cos 45° और इसका स्क्वायर माइनस ये 4, और tan²³ 30° पढ़ते हैं और लिखेंगे इसको ऐसे, tan 30° और इसका स्क्वायर। तो हमको सारणी में sin 30° cos 45° और tan 30° का मान मालूम है, और यहाँ रखेंगे तो उसके वर्ग करने पर हमको इसके व्यंजक के मान हमको पता हो जाएंगे। इसको हम फिर लिख लें, 2 sin 30° cos 30° और प्लस 10 45° अर्थात 2 sin 30° cos 30° धन 10 45°। यहाँ इनके हम मान रखेंगे, यहाँ पर हम मान रखते चले जाते हैं। ये 5 है, साइन 30 का मान कितना होता है तो त्रिकोणमिति सारणी में आप पाएंगे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ रखे मान 1/2, 1/2 का वर्ग हो गया। ऐसे ही cos 45° का मान 1/√2 होता है, इसका भी वर्ग हो जाएगा ये। फिर माइनस 4, tan 30° का मान हम ये जानते हैं 1/√3, तो इसका हो जाएगा ये वर्ग बटा 2 sin 30, तो ये 2 तो रहेगा ही, इंटू साइन 30 का मान होगा 1/2, कास 30 का मान होता है 3/√2, और टेन 45° का मान होता है 1। तो यहाँ पर हमने अभी केवल मान रखा, अब इसको सरल करते हैं तो 5 ही रहेगा ये, 1/2 का वर्ग मतलब 1/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। ऐसे ही 1/√2 का वर्ग है तो हमको ये मालूम है कि √2 × √2 यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है 2, इसलिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ऋण। ठीक ऐसे ही काम हम करेंगे इसमें 4 गुणा, जैसे आपने √2 × √2 = 2 लिखा, वैसे ही 1/√3 का जो वर्ग होगा वो अब लिखा जाएगा 1/3 बटा
ये दो और दो हम कटा सकते हैं, गुणा में है, ये दो अंश में है, दो भाग में है, ये कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास मिलेगा वर्गमूल तीन बटा दो और धन एक। इसको फिर हम जब सरल करेंगे तब हम इस व्यंजक का मान ज्ञात कर सकेंगे। हम जब ये सरल करेंगे तो अब ये हो जाएगा पाँच बटा चार, पाँच बटा चार धन एक बटा दो और ऋण चार गुना एक बटा तीन लिखा था उसको अब हम लिख लेंगे चार बटा तीन बटा, इसको लघुत्तम लेंगे हम, यहाँ पर जो लिखा था वर्गमूल तीन, ये जैसे हमने लिखा वर्गमूल तीन बटा दो धन एक, तो इसका हम वर्गमूल इसका लघुत्तम लेंगे, दो और एक का लघुत्तम। तो इसको हम फिर अगले चरण में ऐसे हल कर लेते हैं, ऊपर अंश को पहले अलग हल करते हैं उसके बाद फिर हर में भी यही काम करेंगे। तो चार दो और तीन का लघुत्तम, तो चार और दो का लघुत्तम कितना होना चाहिए चार, और फिर ये तीन के साथ इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका बारह। तो ऊपर जो हमने लघुत्तम निकाला वो हो गया बारह, चार से इस बारह को भाग किया तीन बार में, चार तिया बारह, तीन का गुणा पाँच से किया तो पाँच तिया पंद्रह, ये हो जाएगा धन दो से फिर इस बारह को भाग किया दो छक्के बारह, छः का गुणा एक के साथ में किया तो छः एकम छः, तीन से बारह को भाग किया तो तीन चौंक बारह, चार आया चार का गुणा इस चार से किया तो चार चौंक सोलह। अब इसमें हर वाले भाग को हल करेंगे इसी प्रकार से, तो हर में यहाँ पे दो और एक है तो इसका लघुत्तम आ जाएगा दो, इस दो से इसको भाग किया एक बार में, एक का गुणा वर्गमूल तीन के साथ में होगा ये वर्गमूल तीन हो जाएगा, धन है यहाँ धन, एक से फिर दो को भाग करेंगे तो दो बार में जाएगा, फिर उस दो का गुणा एक के साथ में करेंगे तो दो एकम दो। इसको फिर हम सरल करें तो यहाँ देखें ये दोनों धन है तो पंद्रह और छः इक्कीस, इसको हम लिख लिए इक्कीस, इक्कीस में से हमको सोलह घटाना होगा बटा बारह है यहाँ पर ये बारह है, और इसको हम उलट देते हैं इस संख्या को, तो इसको उलटेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा और ये दो ऊपर, और बटा में हम इसको लिखेंगे वर्गमूल तीन धन दो, और इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक है। तो 21 में से 16 घटाएंगे ये हो जाएगा 5, और यहाँ 2 है 2 से 12 जो है वो भाग जा सकता है तो 2 एकम और 2 छक्के 12, तो यहाँ पर आएगा 5 बटा 6 और गुणा में 1 बटा वर्गमूल 3 धन 2। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर यदि गुणा करके भी लिखते हैं तो अंश अंश का गुणा हो जाएगा और हर का गुणा करेंगे तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे कि 5 बटा 6 गुणा वर्गमूल 3 धन 2। तो क्या ये हमारा उत्तर होगा? यहाँ पर आप हर को ध्यान से देखिए, हर में वर्गमूल 3 धन 2, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और दो उसके साथ में जुड़ जा रही है, तो जो वर्गमूल तीन धन दो ये आ रहा है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हमको इसको परिमेय बनाना पड़ेगा। तो हर को हम परिमेय बनाने के लिए परिमेयकारी गुणक से गुणा करते हैं, तो इसलिए हम इसको आगे फिर सरल करेंगे इसका परिमेयीकरण करके। तो हम यहाँ परिमेयीकरण करने वाले हैं, परिमेयीकरण में क्या हम करने वाले हैं कि 5 बटा 6 और गुणा में है वर्गमूल 3 धन 2, तो यहाँ पर इस भाग का हम परिमेयीकरण करने वाले हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए हम इसको इस ढंग से लिखें, और इसमें हम परिमेयीकरण जब करेंगे तो इसी के यहाँ पर जो धन चिन्ह है इसको हम ऋण कर देंगे और उससे फिर अंश और हर से हम गुणा करेंगे तो वो परिमेयीकरण कहलाएगा। तो हम इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं
ये 5/6 हो गया और इसके साथ में है वर्गमूल 3 / 2। और अब हम जो गुणा करने वाले हैं वो किससे गुणा करेंगे, तो ये वर्गमूल 3 रहेगा, यहाँ वर्गमूल 3 / 2 है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। और ऐसे ही ये अंश में किया और हर में भी करेंगे वर्गमूल 3 √2। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर हर का परमेयीकरण किया, इसको हम लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर। अंश और अंश का गुणा कर लें और हर का गुणा कर लें, तो इसको और हम सरल करें इसी रूप में यदि लिखते हैं इसको, तो 5 का भीतर गुणा ना करके हम इसको इसी रूप में लिखें वर्गमूल 3 √2 और बटा ये 6 रहेगा। यहाँ आप देखेंगे ये a यदि a है और ये b है तो ये a+b हुआ और a-b हुआ, तो एक सर्व समीका हमें पता है बीजगणितीय सर्व समीका कि यदि a+b और a-b हो तो इसको हम लिख लेते हैं a का वर्ग √b का वर्ग। और यहाँ पर इस सर्व समीका के आधार पे नीचे वाले भाग को लिखेंगे तो a की जगह में वर्गमूल 3 दिख रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग, और b के जगह में दिख रहा है हमको 2 तो इसको लिख देते हैं 2 का वर्ग, और इस कोष्टक को हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। ये अब लिखेंगे हम 5 × √3 √2 बटा 6 वर्गमूल 3 का वर्ग। वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब हुआ वर्गमूल 3 × √3 और ये आएगा आपका 3। तो यहाँ हम इसको सरल किए ये आया 3 और ये 2 का हमने वर्ग किया तो फिर इसी तरह से 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 × 2 = 4 तो ये हो जाएगा 3 × 4। तो ये अब ऐसे लिख दें 5/6 में है आपका वर्गमूल 3 √2 और बटा 3 में से 4 घटाएंगे तो ये आया आपका √1। अब √1 आया है, हर जो है ऋणात्मक आ रहा है, हर को ऋणात्मक नहीं रखना है तो हम √1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 ही रहेगा, ये 5/6 हो जाएगा। √1 से यहाँ गुणा करेंगे तो √1 × √1 जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए नीचे ये 6 बन जाएगा। और यहाँ जब हम ऋण का गुणा करेंगे तो ये जो धन है वो ऋण हो जाएगा और जो ऋण है वो धन, तो इसको हम पलट देंगे आगे पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 √√3। इस तरह से इस दिए गए व्यंजक का जो मान हुआ वो आपका 5 × √3/6, यही इसका उत्तर हुआ।